Sultan Alauddin Muhammad ibn Tekish o'g'li Jaloliddin Manguberdin so'nggi Xorazm shohi. सुल्तान तेकश की नागहानी मौत के बावजूद बुलंद हिम्मत शहजादे कुतुबुद्दीन मोहम्मद ने तरशेज़ का मुहासिरा जारी रखा। आखिरकार अहले शहर सुलह पर मजबूर हो गए और सुलह का मुआहिदा तय पा गया। कुतुबुद्दीन मोहम्मद ने मुहासिरा उठा लिया और पाया तख्त की तरफ रवाना हो गया। ओरगंज पहुंचकर 20 शवाल 596 हिजरी बामुताबिक 2 अगस्त 1200 को कुतुबुद्दीन मोहम्मद ने अपने बाप का लकब इख्तियार करके अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़्म शाह बनकर तख्ते ख्वारज़्म पर ब्रजमान हुआ। क्योंकि उसका असल नाम सिर्फ मोहम्मद था, इसलिए मौर्रखीन कभी इसे मोहम्मद ख्वारज़्म शाह के नाम से भी याद करते हैं। वो हर लिहाज से अपने बाप का सही जानशीन नज़र आता था। जुर्रत, दलेरी, जहांगीरी और जहांदारी में वो अपने दौर का सिकंदर था। अरब मौर्रखीन अपनी तवारीख में इस शख्सियत को अच्छे लफ्ज़ों से याद करते हैं, लेकिन इन तमाम तर खूबियों के बावजूद इससे चंद ऐसी संगीन गलतियां हुईं जिनके वबाल से इसके सारे कारनामों पर पानी फिर गया और आलमे इस्लाम मशरक ता मगरब राग का ढेर बन गया। अलाउद्दीन मोहम्मद के बरसरे इक्तदार आते ही आसपास की रियासतों ने इसे नातजर्बाकार गुमान करके ख्वारज़्म पर चढ़ाई के मनसूबे बुनना शुरू कर दिए। हाकम अफ़गानिस्तान गयासुद्दीन गोरी ने साबका सुलहनामे का ख्याल ना करते हुए हमला करके ख्वारमी सल्तनत के शहर निसा, मरू और सरखस पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद तोस और निशापुर पर यलगार करके इन्हें भी गोरी सल्तनत में शामिल कर लिया। अलाउद्दीन मोहम्मद को तख्त पर कदम रखते ही एक भयानक सूरत हाल का सामना करना पड़ा। ताहम उसने जबत से काम लेते हुए गोरी हुक्मरान को लिखा, मैं समझता था कि मेरे वालद मोहतरम के सानहा वफात पर अगर तुर्कान ख़ता ख्वारज़्म पर हमला आवर हुए तो आप मेरी मदद करेंगे, लेकिन मकाम हैरत है कि खुद आपने मुझ पर यलगार कर दी। ये मर्दानगी के खिलाफ है। आप मेरी रियासत से अफवाज वापस बुला लें, वरना मैं तुर्कान ख़ता से मदद लेने पर मजबूर हो जाऊँगा। लेकिन गयासुद्दीन गोरी ने इस मुरसले का कोई मुस्बत जवाब ना दिया। इस पर अलाउद्दीन मोहम्मद शमशीर बकफ होकर मैदान में उतर पड़ा और गोरी और ख्वारज़्मी सिपा में एक तवील मार का आजमाई का सिलसिला शुरू हो गया। गोरियों की क़यादत सुल्तान गयासुद्दीन गोरी के हाथ में थी। सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी हिंदुस्तान की मुहिमात में मसरूफ़ थे। इनकी अन तक जहादी सरगर्मियों के बाद पेशावर से लेकर दिल्ली और बंगाल तक का इलाका इस्लामी हुकूमत में दाखिल हो चुका था। सुल्तान शहाबुद्दीन की हिंदुस्तान से फातिहाना वापसी हुई तो गोरियों को मज़ीद तकवीत हासिल हो गई और इन लड़ाइयों में मज़ीद शिद्दत आ गई। इसी असना में गयासुद्दीन गोरी की वफात हो गई। अब सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी को बजाते खुद हवस इक्तदार की इन जंगों की क़यादत करना पड़ी, जो उम्मत मुसलमा के लिए सरासर सबब खसरान थी। एक फैसला कुन मुकाबले के लिए जंगी हाथियों पर मुश्तमिल लश्कर जर्रार लेकर सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी ख्वारज़्म के पाया तख्त पर हमला आवर हुए। ख्वारज़्मी फौज ने खुद शहर बंद होकर अकब से दरियाए जेहून की इस नहर का बंद काट दिया, जिसके किनारे गोरी अफवाज खेमा जन थीं। गोरी अफवाज के पड़ाव का मैदान एक बड़ी झील में तब्दील हो गया और गोरी अफवाज को इससे निकलने में तकरीबन 40 दिन गुजर गए। इस गैर मुतवक्के सूरते हाल के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी अपनी अफवाज को लेकर वापस हो गए। रास्ते में ख्वारज़्मी अफवाज के छापामार दस्तों और तरकान खता की चीरा दस्तियों ने इनकी बहुत कम फौज जिंदा वतन वापस पहुंचने दी। शवाल 601 हिजरी बामुताबिक अप्रैल 1206 ईस्वी में सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी फिर हिंदुस्तान की मुहिम पर निकले। इस दौरान वो दरियाए जेहलम के किनारे आराम कर रहे थे के एक फिदाई के खंजर ने इन्हें शहीद कर दिया। इब्ने असीर के बकौल इनकी तारीख़ शहादत यकम शाबान 602 हिजरी थी।
सुल्तान शहाबुद्दीन गोरी की शहादत गौर की नौखेज सल्तनत के खात्मे का पेश खैमा साबित हुई। 605 हिजरी बमुताबिक 1208 ईस्वी में सुल्तान अलाउद्दीन मोहम्मद ख्वारज़्म शाह ने गोरियों के सबसे मजबूत गढ़ हर्रात को फतह कर लिया और इसी साल गोरी खानदान के आखिरी हुक्मरान गयासुद्दीन गोरी को कत्ल करके गौर और फरोजकों पर कब्जा कर लिया। इस तरह ख्वारज़्मी सल्तनत की जनूब मशरक़ की हदूद मौजूदा अफगानिस्तान की जनूबी सरहदों से मुतजावज होकर दरियाए सिंध के किनारे तक फैल गईं और अजीम गोरी सल्तनत सिर्फ पंजाब तक महदूद हो गई।